मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, आपका भाषण मैंने सुना भी और मैंने पढ़ा भी, मैं उत्सुक हूँ। आप बोले, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति, यू हैव नो राइट टू एड्रेस द चेयर। यू आर कमिटिंग अ मिसकंडक्ट दैट आई डेप्रिकेट। आई एक्सपेक्ट द लीडरशिप टू गिव यू रिफ्रेशर कोर्स। नो नो आई विल नॉट, नो आई विल, दिग्विजय सिंह आई विल नॉट अलाउ। फाइव पीपल बिहाइंड यू आर स्टैंडिंग, आई विल नॉट अलाउ। प्लीज सॉरी ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज कंटिन्यू। इट हैज नेवर हैपेंड। नो सर, नो 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 थिंग। वन सेकेंड, दिग्विजय सिंह जी, अरे आप सुनिए सुनिए सुनिए, क्या बात कर रहे हैं। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कैन आई आस्क मेंबर्स टू टेक देयर सीट, टेक योर सीट। योर मिनिस्ट्री इज रिप्लाइंग। If there is misconduct in the house, I will deal with it. मुझे पता है। Nothing is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. माननीय सभापति महोदय, take your seat, sir. Be comfortable. This man, Randeep Singh Surjewala, belonging to the main opposition party, does not know how to conduct himself in the house. No, Randeep Surjewala, why are you forcing me to name him? Why are you forcing Mr. Okay, gentlemen, one second, sit down. Better. It is my most unpleasant duty. If I see any disturbance now, I seek full cooperation of the leadership. I will have to name the honorable member. If the one second, why are you again, sir? I am standing. A chairman stands in the house when he finds the member whom I have come close to naming thrice is not listening to me. If you have a grievance, please take recourse to rules. Not now, sir. Write to me. Write to me. I will deal with it and give you. माननीय सभापति महोदय, ये ठीक नहीं है। If you show this paper again, man, you may be out of the house for a very very long time, Randeep. Very very long time. You do not want discussion on farmer. आप किसान की नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के हित की बात नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के विकास की नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, नथिंग नहीं। माननीय सभापति महोदय, यू कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। हम पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे। मुझे कहते हो गर्व है, कांग्रेस ने किसान को प्रत्यक्ष सहायता की बात तो की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। माननीय सभापति महोदय, ये बनाई तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसान सम्मान निधि में माननीय सभापति महोदय, राशि भले 6000 रुपया हो ये नहीं समझेंगे, लेकिन जो लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके लिए 6000 रुपया मायने रखते हैं। कई बार माननीय सभापति महोदय, किसान को आदान के लिए, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी राशि की जरूरत पड़ती थी, और जब पैसा नहीं होता था तो उसको ऊंची ब्याज की दरों पर लेना पड़ता था। इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान स्वावलंबी भी हुआ है, किसान सशक्त भी हुआ है, और किसान का सम्मान भी बढ़ा है। ये किसान का सम्मान देख नहीं सकते माननीय सभापति महोदय। एक रिपोर्ट माननीय सभापति महोदय, जो हमारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की है। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत वितरित धनराशि ने
ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों के लिए ऋण संबंधी बाधाओं से मुक्त किया है और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है। इस योजना ने किसान की जोखिम लेने की क्षमता को भी बढ़ाया है, जिससे वे कृषि क्षेत्र में संभावित रूप से अधिक उत्पादक निवेश करने में सक्षम हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय किसान महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं, इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24-24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इन्हें छेड़ा है, अब इन्हें छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को, 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें दो किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 1995 अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई 1993 माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ा के तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दर्दनाक भी है। किसान वर्ग देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। उस वर्ग के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हर सदस्य का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो चर्चा में गंभीरता से भाग ले। मैंने इस विषय पर चर्चा को जिसने जितना समय मांगा उतना दिया और मुझे उम्मीद थी कि सरकार का पक्ष सुनकर यदि कोई बात निकलेगी तो कानून के तहत मुद्दा उठाया जाएगा। जो व्यवधान पैदा किया गया है वो नियमों के विपरीत है। जो व्यवधान पैदा किया गया है मेरे निर्देश के बाद वो शासन की अवहेलना है। ये अत्यंत गंभीर है। माननीय सदस्य रणदीप सुरजेवाला जी ने, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की थी, आज मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है, किसान के हित को तिलांजलि देते हुए, संजीदगी का परित्याग करते हुए, माननीय मंत्री जी के भाषण में अवरोध पैदा करने का जो प्रयास किया उसका मैं खंडन करता हूँ, प्रतिकार करता हूँ, निंदा करता हूँ। दूसरा, मैं सदन के सभी सदस्यों से आग्रह भी करूँगा, जब एक कोने से कोई व्यवधान पैदा होता है तो बिना मेरी तरफ देखे हुए, बिना आसन की व्यवस्था का इंतजार किए हुए दूसरे कोने से व्यवधान हो जाता है। इधर से कोई बोल रहा है तो उधर व्यवधान हो जाता है, उधर से कोई बोल रहा है तो इधर से भी हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सदन में चर्चा को सार्थक बनाइए, जन कल्याण के लिए बनाइए, यही हमारा उत्तरदायित्व है। लोग हमको देख रहे हैं और सदन की कार्यवाही में, गुणवत्ता में
तो निरंतर कमी आ रही है। लोग हमारी तरफ अब आदर की तरफ से नहीं देखते, लोग ये नहीं देखते कि सदन में क्या चर्चा हो रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, इस सदन को, इसकी पवित्रता को संरक्षण दें। सर्जन बाद में होगा, जब एक बार संरक्षण देंगे। माननीय मंत्री जी अपना बयान जारी रखें। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में किसानों पर चर्चा हो रही है और किसान भी इसको ध्यान से सुनते हैं। मैं पूरी गंभीरता से अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, लेकिन मैं जब कृषि मंत्री बना माननीय सभापति महोदय, तो मुझे लगा कि मुझे जितने प्रधानमंत्री भारत में आज तक हुए हैं उन सबके भाषणों को पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, लाल किले की प्राचीर से। मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं, जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरत में रह गया, हैरान हो गया। मैंने जो उस दिन कहा था, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया, किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। ये आपकी प्राथमिकता है। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े, 66 में 2 बार, 67 में 1 बार, 68 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में 2 बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी, 75 में, 76 में, 80 में 1-2 बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा। और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके भाषण पढ़े, 2014 में 6 बार, 15 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार। अब भाषण उठा के देख, किसान का नाम, खेती को प्राथमिकता। और माननीय सभापति महोदय, जो बात दिल में होती है जवान पे वही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार आता। पर मैं एक बात और कह के अपनी बात फिर किसान पर ही केंद्रित करूंगा। मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई, खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का, अचानक के खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था, 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी
वीडियोग्राफी की सीट दे। इसको ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूँ माननीय, ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूँ, ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहाँ खड़ा होना है क्या सभापति महोदय? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी कहाँ खड़ा होना है? कैमरे लगाओ, लोग देख ले कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ज्यादा है तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे? जहां चर्चा करने कर ले, मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। और तो मैं कह रहा था किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। माननीय सभापति महोदय, आप खुद किसान हैं, हम समझते हैं, टोडरमल जी के जमाने से किसानों के सारे अभिलेख व्यक्ति संधारित करता था, पटवारी, रेवेन्यू का हमला, अंग्रेज आए उनने वो प्रथा जारी रखी, कांग्रेस में वो प्रथा जारी रही। मैं सबको बेईमान नहीं कहता, लेकिन अगर सब पटवारी खराब नहीं है, लेकिन कोई के मन में आ जाए रिकॉर्ड में हेरा फेरी करनी है, तो कई बार हमने देखा धन्ना की नाम जमीन पन्ना के नाम चली गई। रामलाल बेचारा खेती कर रहा है, बरसों बाद पता चला ये जमीन तो श्यामलाल की हो गई। एक ने अनेकों घोटाले होते थे, जिंदगी भर कोर्ट में मामले चलते थे। अब ये चीजें कांग्रेस को समझ में नहीं आ सकती। माननीय सभापति महोदय, अगर फसल खराब हो जाए किसान की और राहत की राशि के लिए सर्वे करना तो कौन करता था? नजरी आकलन आदमी करता था रेवेन्यू का। और कई बार उसके मन में आ जाए बेईमानी। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरसिंहपुर जिले में गया, हमने पर्याप्त राहत की राशि दी, वहां जाके किसानों ने मुझे स्वागत शिकायत की कि मुख्यमंत्री जी जिसका गन्ना बोया था उसको गेहूं की फसल खराब होने का ओले के बाद मुआवजा दे दिया। पटवारी के मन में अगर आ गया तो इधर के उधर लिख दी। माननीय सभापति महोदय, कई सब शिकायतें हर एक राज्य में आती है, इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत थी। और मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के किसानों की ओर से। उन्होंने डिजिटल कृषि मिशन शुरू करने का संकल्प लिया। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, मुझे कहते हुए गर्व है कि किसानों को आधार की तरह एक डिजिटल पहचान दी जाएगी, किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसको किसान की पहचान के रूप में जाना जाएगा। इस किसान आईडी को राज्य के भूमि के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा। माननीय सभापति जी, अब किसान कोई भी फसल बोएगा उसके रिकॉर्ड में हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिजिटल है, आदमी गड़बड़ नहीं कर सकता। और फसल अगर बोई गई है तो बोने के बाद जैसी फसल आती है मोबाइल से वीडियोग्राफी करके उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा, ताकि कोई फसल कौन सी बोई है उसमें गड़बड़ ना कर सके। और किसानों के नुकसान का आकलन अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आदमी नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा, सीधे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होगा। जैसा नुकसान होगा वो 100% वैसे ही आ जाएगा और किसान को पूरा जो पात्र किसान है पूरी राहत दी जाएगी। ये डिजिटल कृषि मिशन का हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खेती के लाभ को अगर बढ़ाना है तो होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठ के सोचो खेती और खेती से संबंधित सारे विभाग एक दिशा में कैसे सोचे। विभाग अलग अलग हो सकते हैं सभापति जी,
लेकिन हम जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर विभाग अलग है, लेकिन खेती से उसका संबंध है। जल शक्ति विभाग अलग है, खेती से संबंध उसका है। और इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि अलग अलग विभाग, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये मिलके प्लानिंग करें, एक दिशा में चलें, ताकि हम खेती में लाभ को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। एकीकृत दृष्टिकोण ये सरकार अपनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है माननीय सभापति जी, हम कृषि का विविधीकरण करें। माननीय सभापति महोदय, केवल अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय पशुपालन, अनेकों प्रकार मधुमक्खी पालन, अनेकों प्रकार के काम को जोड़ के छोटे और सीमांत किसानों को भी ज्यादा लाभ कैसे हो सके, उसकी योजना यह सरकार बना रही है। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय सभापति महोदय, ICAR ने अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 74 एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय कि छोटा किसान, एक हेक्टेयर का किसान, क्योंकि जोत के आकार काफी छोटे हैं हमारे देश में, वो उसमें कैसे लाभ कमा पाए, वो केवल अनाज नहीं बाकी फसल भी लगाए, उसके साथ सहायक काम भी चलाए, इसका एक मॉडल बनाए। हम मॉडल फार्म बना रहे हैं और किसान को एजुकेट करेंगे कि एक हेक्टर में भी फायदे की खेती करना है तो यही एक मॉडल है, किसान देख के सीखेगा। और एक बात और माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हमारे अन्न के भंडारों को भरने के लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अंधाधुंध हो रहा है और इसके कारण फसलों पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर जरूरी है लेकिन एक सीमा से अधिक उपयोग हमारी फसलों को भी खराब करता है। कई राज्य ऐसे हैं कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल जाती है और हमारी भूमि के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है, उर्वरा शक्ति कम हो रही है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस समय बरसात के समय हम देखते थे, एक जमाने में जो गांव में रहते कितने केंचुए आते थे, ये केंचुए सबसे बड़े उर्वरक है, ये धरती में नीचे जाते थे ऊपर आते थे, उर्वर बनाते थे और वो मिट्टी खाते थे, और मिट्टी जब बाहर देते थे तो वो भी खाद का काम करती थी। अब केंचुए समाप्त हो गए, अब समय आ गया है, मैं प्राकृतिक खेती के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन समय आ गया है, तब हमको उत्पादन बनाए रखते हुए, उत्पादन बढ़ाते हुए हमको सोचना पड़ेगा प्राकृतिक खेती के बारे में। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जानता हूं, मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय।